शोंटू एक किसान है, लेकिन इस बार वह भगवान से थोड़ा नाराज है। वह खेतों में अपनी फसलों को देखता है और परेशान हो जाता है। अरे ये क्या, इस बार मेरी फसल ठीक से बढ़ी ही नहीं, ये सब मौसम की वजह से हो रहा है। तभी शोंटू का पड़ोसी लालू शोंटू के खेत के पास से गुजरता है। क्या हुआ शोंटू, लगता है इस बार तुम्हारे खेत में फसल ठीक नहीं हुई। क्या बताऊं लालू, इस मौसम ने परेशान कर रखा है। समझ सकता हूं शोंटू, कोई बात नहीं, मौसम बदल जाएगा और तब तुम्हारी फसल भी अच्छी होगी। लालू अहंकार वश शोंटू को नीचा दिखाता है। हे भगवान, ये क्या किया आपने? अगर मौसम ऐसे ही लगातार बदलते रहेंगे तो मैं अपनी फसलें कैसे उगाऊंगा? पूरी दुनिया चलाते हो और इतनी सी बात भी नहीं समझते। शोंटू किसान, ये किसने पुकारा मुझे? मनुष्य हमें भगवान कहकर बुलाते हैं। कौन है? मैं भगवान हूँ, तुम्हारी निराशाजनक बातें सुन रहा था। क्या तुम्हें इस मौसम की वजह से परेशानी हो रही है? हाँ भगवान, अगर मैं होता तो मौसम को ठीक से बदलता। ठीक है शोंटू, आज से सारे मौसम तुम्हारे नियंत्रण में होंगे, तुम उन्हें अपनी इच्छा अनुसार बदल सकोगे। आकाशवाणी शोंटू को एक वरदान दे गई। अब देखते हैं शोंटू इसका सदुपयोग करता है या दुरुपयोग। आज रात शोंटू को बहुत अच्छी नींद आएगी, क्योंकि आज से उसे सारे मौसमों का नियंत्रण सौंपा गया था, जिस वजह से उसे यकीन था कि उसकी फसलें अब अच्छी होंगी। भगवान, अब आप मेरा कमाल देखना। अरे, मेरी फसल अब भी खराब है, लगता है इन्हें थोड़ी सिंचाई की जरूरत है। देखा भगवान, ऐसे किया जाता है मौसम पर नियंत्रण। शोंटू हर रोज खेतों में जाकर अपनी इच्छा अनुसार मौसम बदलता है और देखते ही देखते उसकी फसल आम फसलों से 3 गुना बड़ी हो जाती है। अरे शोंटू, तुम्हारे खेतों की फसल तो इस बार बहुत बढ़िया हुई है, कोई नई खाद डाली है क्या? जादू है लालू, जादू। वैसे इस बार तुम्हारे खेतों में फसल अच्छी नहीं हुई, लगता है मौसम इस बार दगा दे गया। हाँ शोंटू, लगता है मौसम ने मेरे साथ मजाक किया है। कहो तो तुम्हारे खेतों पर भी जादू कर दूँ। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों कष्ट करते हो? अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे जरा काम है। आज फसल काटने का दिन आ ही गया। देखा भगवान, मैंने मौसम संभाल के क्या कमाल कर दिया। शोंटू नहीं जानता था कि बहुत जल्दी उसके हाथ निराशा लगने वाली है। लगता है इस बार बहुत मुनाफा होने वाला है फसल से। शोंटू जब अपने जादुई फसल से बटोरे गए अनाज के ढेर को निहारता है तो उसे एक अलग ही नजारा दिखता है, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अरे ये क्या हो गया, मेरी फसल तो बहुत अच्छी हुई थी लेकिन अनाज पहले से भी बहुत कम निकला है। मैंने तो बहुत ध्यान से मौसम बदले थे, फिर ऐसा कैसे हो गया? लगता है तुम्हारा जादू काम नहीं आया शोंटू, कुछ गलती हो गई क्या? पता नहीं लालू, सब कुछ तो सही किया था लेकिन फिर भी फसल अच्छी नहीं हुई। कोई बात नहीं शोंटू, कोई ना कोई हल तो जरूर निकलेगा। सारी फसल बर्बाद हो गई भगवान, मौसम पर नियंत्रण करने के बावजूद। लगता है तुम्हें अपना सबक मिल चुका है शोंटू। आप मेरी भी परेशानी का मजाक उड़ा रहे हो भगवान। शोंटू, तुम्हें वो शक्तियाँ देने के पीछे मेरा उद्देश्य था तुम्हें ये एहसास दिलाना कि जैसे फसलों को अनाज पैदा करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसी तरह मनुष्यों को भी जीवन में आगे बढ़ने
और सफलता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। शोंटू को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। अब वह अपनी गलतियों को सुधार कर परिश्रम करने लगता है। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अब मैं बहुत मेहनत करूंगा और अगली बार बहुत बढ़िया फसल उगाऊंगा। शोंटू अपने खेत में कड़ा परिश्रम करता है और इस बार मौसम बदलने पर निराश न होकर डटा रहता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आसान रास्तों को चुनने की बजाय ईमानदारी और कड़ी मेहनत। किसान के जूते। नवापुर गांव में नानाराव नाम का एक गरीब किसान था। जितना वो गरीब है उतना ही उसका बचपन का दोस्त मानिकराव अमीर है। जहां मानिकराव बड़ी गाड़ी में घूमता वहीं नानाराव का फटे जूते में भी चलना मुश्किल था। पिताजी, आपके पैर का अंगूठा बाहर आ गया। ओह, कितनी बार कहा है आपसे कि एक जूता खरीद लो। इतना बड़ा छेद हो गया है कि अंगूठा बाहर आने लगा है। खेत पर कहीं कोई सांप बिच्छू कीड़ा मकोड़ा जूते में घुसकर बैठ गया और काट लिया तो हमारा क्या होगा? अरे कुछ नहीं काटेगा, पहनने से पहले जूते उल्टे करके देख लेता हूँ। ऐसे तो आने दो, फिर जूते लूंगा। एक साल हो गया है ये सुनते सुनते के पैसे आने दो, पैसे आने दो। मेरी मानिए तो आप अपने बचपन के दोस्त मानिक राव से पैसे क्यों नहीं ले लेते? जब पैसे आएंगे तो उन्हें वापस कर दीजिएगा। देखो सुनंदा, आज तुमने बोला तो बोला, दोबारा मत बोलना। वो मेरे बचपन का दोस्त है, अगर हमारे बीच पैसा आया तो हमारी सच्ची दोस्ती टूट जाएगी। किस काम की ऐसी बचपन की दोस्ती जो कभी काम ही ना आ सके। देखो सुनंदा, मेरे दोस्त को कुछ मत कहना, वो तो काम आने को तैयार है, लेकिन वो तो मैं हूँ जो उससे एक पैसा नहीं लेना चाहता। अब बस। यहाँ किसान नाना राव अपने खेत की कटाई करता हुआ घने खेतों के बीच पहुँचता है। उसके खेत से सटा हुआ मानिक राव का खेत है। तभी उसे फसलों के बीच से मानिक राव के लाउड हंसने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वो चौंकता है। तभी उसे मानिक राव के बच्चे की आवाज सुनाई देती है। पर पिताजी, आप ऐसा क्या करते हैं कि आपके पास इतना पैसा है? अपने खेत की पगडंडी पर जो पीपल का पेड़ है ना, उसके नीचे मैं रोज अपने जूते रख देता था। सवेरा होते होते उसमें अपने आप ही पैसे आ जाते थे। बस उन पैसों से मैं अमीर बन गया। ओ, तो मेरी पत्नी सही कहती है, किस काम की दोस्ती जो काम ही ना आए। सचमुच अगर ये राज ये मुझे बता देता तो मैं भी अमीर बन जाता ना। पर इसने अकेले ही कमाया। ठीक है, अब मैं भी कमाऊंगा। आज से रोज रात को मैं भी अपने जूते पीपल के पेड़ के नीचे रख जाया करूंगा। और शाम को लौटते हुए नाना राव अपने फटे जूते खेत की पगडंडी पर लगे पीपल के पेड़ के नीचे रखकर नंगे पांव घर पहुंच जाता है। उसे नंगे पांव आया देखकर पत्नी पूछती है, बाला के बापू, आपके फटे हुए जूते कहाँ गए? फेंक दिए? नहीं तो, बनाने को दिए हैं। ओफो, उसमें बनाने लायक बचा ही क्या था? बेचारा जूता भी सोचता होगा कि किसके पैर में आप फंसा हूँ। दूसरे दिन सवेरे सवेरे जब वो उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचता है तो देखकर सरप्राइज रह जाता है कि उसके जूते में 100-100 के कुछ रुपए पड़े हैं। वो जल्दी से रुपए उठाता है और वापस घर आ जाता है। अरे, आप इतनी जल्दी आ गए? जूते बन गए क्या? नहीं नहीं। अच्छा बाला, तेरी स्कूल की फीस कितनी बाकी है? 500 रुपए। ये ले, ये 500 रुपए। बाला के बापू, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? बस आ गए। अच्छा, अब मैं खेत पर जा रहा हूँ, ठीक है? अम्मा, एक ही दिन में पिताजी के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? जरूर अपने दोस्त मानिक राव से मांग लिए होंगे। इतने पैसे आने का तो वही एक रास्ता है। शाम को लौटते हुए नाना राव आज फिर अपने जूते पीपल के पेड़ के नीचे रख जाता है। और दूसरे दिन सवेरे वो जाता है तो उसे फिर जूते में 100-100 के काफी नोट पड़े मिलते हैं। साथ में एक कागज भी पड़ा मिलता है। वो पढ़ता है, उसमें लिखा है, ये पैसे मिलने का मतलब ये नहीं है कि तुम काम ना करो या काम से जी चुराओ। तुम अपनी मेहनत वैसी ही बरकरार रखना, जिस दिन भी तुमने
काम से जी चुराया, उसी दिन से जूते में पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। भला मैं क्यों जी चुराऊंगा, मैं तो और दुगनी फूर्ती से मेहनत करूंगा। और उस कागज की बात का उस पर बहुत गहरा असर होता है। रुपए मिलते ही घर आने के बजाय वो पूरे दिन मेहनत करता है। शाम होते ही अपने जूते उसी पीपल के पेड़ के नीचे रखता है और बाजार से काफी सामान खरीदता हुआ घर पहुंच जाता है। अब उसकी माली हालत काफी सुधर गई थी। घर में हर चीज वो खरीद लाया था, मगर बीवी इस बात से परेशान थी कि वो अपने लिए जूते क्यों नहीं खरीदता। बाला के बापू, सच सच बताइए, आपने इतनी महंगी महंगी चीजें खरीदी पर अपने लिए सस्ते से नए जूते नहीं लिए। रोज नंगे पाँव चले आते हो। अगर आपसे नहीं लिए जाते तो मुझे बोलिए, मैं ही आपके लिए नए जूते खरीद लाती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना। अगर ऐसा किया तो मेरी कमाई बंद हो जाएगी। उन फटे हुए जूतों की वजह से ही तो मेरी कमाई है। क्या मतलब? अगर किसी को नहीं बताओगी तो बताता हूँ। नहीं बताऊंगी, आप बताइए तो। खेत से जुड़ी पगडंडी पर जो पीपल का पेड़ है, उसके नीचे मैं रोज शाम को अपने जूते रखाता हूँ। सवेरे जाता हूँ तो उसमें 100-100 के नोट पड़े मिलते हैं। अगर वो जूता छोड़कर नया लिया और उसमें रुपए ना आए तो? अरे ऐसा कैसे हो सकता है, पीपल के पेड़ के नीचे जूता रखे और उसमें पैसे आ जाए। कुछ तो गड़बड़ है बाला के बापू, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आपको बेवकूफ बना रहा है। बेवकूफ? इसमें क्या बेवकूफ? हो सकता है कि कोई आपको पैसे देता जाए और फिर एक दिन आकर वापस मांगे और आप ना दे पाओ तो आपकी खेती वेती हड़प ले। पत्नी की बात से नाना राव को भी शक होता है और उस दिन पत्नी सुनंदा भी उसके साथ खेत पर आती है और शाम को वो पीपल के पेड़ के नीचे जूते रखने के बाद दोनों वहीं एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। आधी रात को अंधेरे में एक साया वहां आता है और अपनी जेब से 100-100 के नोट निकालकर जैसे ही जूते में डालकर मुड़ता है, ये दोनों उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। वो आदमी घबराकर पलटता है तो उसे देख दोनों चौंक जाते हैं। मानिक राव तू? मानिक राव भाई साहब। ओह, तो आखिर तुम लोगों को सच्चाई पता चल ही गई। मानिक राव भाई साहब, तो ये पैसे रोज आप रखते थे, है ना? तो क्या करूं? ये मेरे बचपन का दोस्त है, किस्मत ने मुझे अमीर बना दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं इसे गरीबी में जीते नहीं देख सकता और ये इतना खुद्दार है कि मुझसे पैसे लेना ही नहीं चाहता। मैंने सोचा कि मैं कैसे अपने खुद्दार दोस्त की मदद कर सकता हूँ, तो मैंने नाना राव को ये बातें सुनाई कि पीपल के पेड़ के नीचे शाम को जूते रख दो तो सवेरे वो पैसे से भरे मिलते हैं। बस नाना राव ने जूता रखा तो मैंने उस पे पैसे डाल दिए और डालता ही गया। लेकिन ये कागज क्या था? मैंने सोचा कि कहीं मुफ्त में पैसे मिलते देख तुम कहीं काम करना ना बंद कर दो, इसीलिए मैंने ये कागज लिखकर डाल दिया। आज एक बात मेरी समझ में आ गई है दोस्त, किसी से भी हेल्प लेकर अपने आप को छोटा महसूस करने की बजाय अपने आप को अमीर समझना चाहिए कि मेरे पास दोस्ती की वो दौलत है जिसे मैं ऐन वक्त पर खर्च करके अपनी जिंदगी संवार सकता हूँ।